नमस्कार श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र प्रजापत आपका स्वागत करता हूं कंप्यूटर साइंस की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं फोक्स प्रो के बारे में। फोक्स प्रो अपना चल रहा था टॉपिक, उसके अंदर हमने पिछली बार ये सीखा था कि किस प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, किस प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं जिनका यूज लेते हैं अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन करते हैं। आज हम बात करेंगे कि फोक्स प्रो का यूज कैसे लिया जाता है, उसके अंदर एक टेबल कैसे बनाई जाती है, फोक्स प्रो टेबल होती क्या है। तो यहां पर अपन बात करेंगे आज टेबल जो कि फोक्स प्रो की है। तो फोक्स प्रो टेबल कैसे होती है, कोई भी डेटाबेस जो होता है, कोई भी डेटाबेस, उसको बनाने के लिए आपको एक जनरली एक सुव्यवस्थित ढंग से किसी चीज़ को रखना जरूरी है। उसको अगर आपने रखना आपको नहीं आता, आप उस चीज़ को कहीं सेट करके नहीं रख सकते, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपन उस चीज़ को सुव्यवस्थित रखने के लिए अक्सर टेबल का उपयोग किया जाता है। जो टेबल होती है वो इजीली किसी भी प्रकार के डेटा को सुव्यवस्थित रखने में आसानी होती है। तो जैसे कि मैं बात करूँ स्टूडेंट से रिलेटेड जो डेटा है वो भी आपने देखा रोल नंबर, एज, नेम, एज, क्लास और मीडियम, जो सारी चीजें हैं वो एक ही उसमें आती है। वन जीरो वन से लेकर भी चलता रहेगा, नेम जो आता रहेगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा अपन डाल सकते हैं। तो आपने देखा कि जैसे ही अपन एक टेबल बना लेते हैं, एक बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से अपन इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो ये जरूरी है कि टेबल क्यों चाहिए होती है, क्योंकि डाटा को सुव्यवस्थित रूप से आपको संग्रहित करना होता है, उसको सेव करके रखना होता है। उसके लिए आप अगर कोई फाइल बना देंगे दूसरे टाइप की, तो हो सकता है कि वो आपको सही तरीके से उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से ना कर पाए आप। हो सकता है कुछ प्रकार की चीजें होती है जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो काम के तो होते हैं, पर उसके अंदर जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट में आपने सारा डाटा लिख लिया, तो उसको अंदर आपको सर्च करने में भी आसानी नहीं होगी, तो सर्च करने में भी इजी रहता है इसके अंदर। अब अपन एक बात करते हैं कि फोक्स प्रो के अंदर अपन जो सॉफ्टवेयर यूज ले रहे हैं, सबसे पहले मैं उसका बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फोक्स प्रो 6.0, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो फोक्स प्रो 6.0, ये अपन यूज ले रहे हैं। सारे एग्जांपल्स जो इसी के हैं, जो आपकी बुक है यहाँ पर यूनिवर्सिटी से आपको जो मिलेगी, कॉलेज से जो मिलेगी, उसके अंदर भी यही दिया हुआ है, तो आप कृपया इस चीज का ध्यान रखें। अब अपन सबसे पहली बात करते हैं वो है कि एक टेबल अगर मुझे फोक्स प्रो के अंदर बनानी है तो फिर वो कैसे बनेगी। उसके लिए एक CREATE क्रिएट, जैसे ही मैं सबसे पहले इसका अपन समझ लेते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है। तो आपने देखा क्रिएट टेबल नेम, किस प्रकार की मुझे टेबल बनानी है, क्या नाम की टेबल बनानी है, आपको सिर्फ वही डालना है इसके अंदर। तो ये इसका हो गया सिंटेक्स। सिंटेक्स का अपन यूज लेते हुए इसको अपन अगर बनाते हैं, तो टेबल नेम की जगह क्या होगा, आप टेबल नेम की जगह कुछ भी डाल सकते हैं, परंतु एक चीज ध्यान रखेंगे टेबल नेम के बीच में, जैसे मैं ये कहूं कि सिक्स क्लास, ये नाम हो सकता है, ये जो TH होगा वो नीचे आ जाएगा, परंतु अगर मैं सोचूं कि इसके बीच में नाम के बीच में स्पेस देके, जैसे राम का हिसाब,
नहीं ये नहीं बन पाएगा इसका नाम। टेबल के नाम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें, दिमाग में रखें। तो जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि मुझे एक एम्प्लॉइज की लिस्ट बनानी है, मेरी कंपनी के सारे एम्प्लॉइज की मुझे लिस्ट चाहिए। क्रिएट एम्प्लॉय एम, ऐसा करके मैं जैसे ही एंटर मारूंगा इसके अंदर तो मेरे पास एक विजार्ड खुल जाएगा, एक विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जिसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होंगे, एक टेबल डिजाइनर नाम का एक सॉफ्ट वो होगा, यहां पर क्या लिखा होगा इसके अंदर, टेबल डिजाइनर डैश ईएमपी, और जो फॉक्स प्रो के अंदर जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डाटा बेस फॉक्स प्रो डीबीएफ डाटाबेस फाइल। अब इसके अंदर आपको डिफाइन करना है कि आपको किस किस प्रकार की, भाई देखो एक चीज समझना पहले, ये जो टेबल है अगर, तो उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो होती है रो, दूसरे होते हैं कॉलम। तो सबसे पहले तो ये वाला कॉलम आपको, ये वाली रो डिसाइड करनी पड़ेगी किस किस प्रकार के कॉलम इसके अंदर आएंगे, तो फिर उसके हिसाब से अपन उसके अंदर डाटा डालेंगे। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर हो गया आपका नंबर या फिर आईडी, इसके अंदर हो गया नेम, सिटी, सैलरी और आपका डिजिग्नेशन, ये हो गया। अब ये ही सिर्फ काफी नहीं है, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई जो आईडी नंबर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर ही आने चाहिए, जो नाम है उसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर ही आने चाहिए, कोई नंबर में अपने नाम के अंदर एक्स वाई जेड लिखे तो ठीक है, एक दो तीन लिख के जाए तो ये तो कोई नाम ही नहीं हुआ, एक दो तीन किसका नाम होता है, तो ये भी आपको रेस्ट्रिक्शंस करना पड़ेगा। उसके बाद सिटी के अंदर कैरेक्टर होना चाहिए, सैलरी के अंदर सिर्फ नंबर आएगा और डेजिग्नेशन के अंदर कैरेक्टर आएगा, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वो जो डिफाइन होगा वो बनेगा इस प्रकार की, जो टेबल डिजाइनर होगा उसके अंदर, जैसे ही टेबल डिजाइनर के अंदर आप डिफाइन करोगे तो वो बता देगा कि किस किस प्रकार का डाटा इसके अंदर आएगा। मैंने आपको पुराने जो है वीडियोज उसके अंदर ये बता रखा है कि किस किस प्रकार का डाटा अपन फॉक्स प्रो के अंदर यूज लेते हैं, किस किस प्रकार का डाटा आप यूज ले सकते हैं, उसके अंदर डाल सकते हैं। तो एक बार अपन उसका शॉर्ट और क्विक उसका रिविजन कर लेते हैं, उसको आप देखिएगा। सबसे पहले होता है कैरेक्टर, दूसरा होता है न्यूमरिक, न्यूमरिक, तीसरा होता है फ्लोट, चौथा होता है डेट, पांचवा होता है लॉजिकल, छठा होता है मेमो, सातवां होता है जनरल जिसके अंदर ऑयल आते हैं। तो कैरेक्टर के अंदर क्या आएगा, या तो एक लेटर आएगा या फिर वर्ड आएगा, ये जो इसके अंदर आ जाएगा, इसकी भी लिमिटेशंस होती है जो आपको मैंने पहले बार बता दी इसके अंदर कि कितने से कितना हो सकता है। तो इसके अंदर ये 254 कैरेक्टर आ सकते हैं इसके अंदर, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। इसके अंदर कौन कौन से साइन आ सकते हैं वो आपको पहले बताए हुए हैं,
इसके अंदर नंबर में जो है वो एक से लेकर नौ तक, सॉरी जीरो से लेकर नौ तक नंबर आ सकते हैं, जो कि प्लस माइनस हो सकते हैं। तो इनकी डिजिट होगी 20। ये 254 मतलब ए बी सी डी ऐसे करके 254 तक, ये 20 मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 20 लेंथ जो है इनकी ये होगी। अब अपन बात करते हैं फ्लोट जो है, ये फ्लोट जो है वो पॉइंट में होता है, दशमलव जो होता है दशमलव को फ्लोट कहते हैं, जैसे 20.25 ये फ्लोट हो गया, जो 20 से ऊपर वाला वो नहीं है। इसके अंदर भी साइंटिफिक जैसे कोई बहुत ही, जैसे पाई का मान मुझे लिखना है 3.146 ये लिखना है। अब मैं 3 लिखूंगा तो बहुत जनरलाइज हो जाएगा, पर पाई का मान तो पाई का मान है, 3.146 ही होता है और ये तो चलता रहता है आगे तक। तो जब मैं बहुत स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ, तो मुझे नंबर का बहुत ही ज्ञान होना आवश्यक है उस सिचुएशन में हम प्रिसाइज होने के लिए। अपन बात करते हैं फ्लोट की, उसके बाद होता है डेट। कोई बहुत जगह डेट होती है कि ज्वाइनिंग डेट क्या है, आपकी लीविंग डेट क्या है, तो और डेट का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व भी है इसके अंदर, क्योंकि जैसे आप बैंकों के अंदर ट्रांजैक्शन करते हो तो डेट का बहुत उपयोग है, इसलिए डेट की भी इसके अंदर होती है। लॉजिकल के अंदर होता है या तो यस होता है या फिर नो होता है, आइदर इट विल बी यस और इट विल बी नो। ये हो गया आपकी कोई भी चीज, जैसे आप 50 साल से ऊपर के हैं यस या नो, या फिर आप की सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, या फिर आप हैंडीकैम्प्ड है, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, यस और नो के अंदर जो भी है ऑप्शन उसके अंदर आ जाते हैं। अब उसके बाद अपन बात करेंगे मेमो, किसी भी व्यक्ति के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको एड करनी है, जो आपको कैरेक्टर के अंदर डिफाइन नहीं हो सकती, 254 से ज़्यादा आपको सब चाहिए, सॉरी अक्सर चाहिए, तो इसके अंदर आप फिर मेमो के अंदर आएंगे और इसके अंदर आप यूज ले सकते हैं। ओयली होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एबेंडिंग, तो जनरल के अंदर क्या हो गया, जैसे आपको एक इसी टेबल के अंदर एक एक्सेल की स्प्रेडशीट जो होती है वो ऐड करनी है, या फिर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए अपन इसका उपयोग करते हैं ओली का, ओली जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड करने के लिए। तो अपन ने देखा कि कैसे किस प्रकार से टेबल बनाई जाती है, टेबल बनाने के बाद उसके अंदर डेटा कैसे पुट किया जाता है, डेटा किस किस टाइप का पुट किया जाता है। अब जैसे ही आप इसके अंदर ये टेबल बनाना खत्म करेंगे, ये टेबल बनाना बताएंगे टेबल डिजाइनर जो है, टेबल डिजाइनर टीडी, टेबल डिजाइनर के अंदर जो आपने लिख दिया कि भाई मुझे इस टाइप की चाहिए, तो फिर वो उस टाइप की एक टेबल बना देगा। आईडी, नेम, एज, चलो आपने यही बनाई थी तो आपने ये बना दी, आपने इसमें बताया कि इसके अंदर न्यूमरिक वैल्यू है, इसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू है और इसके अंदर न्यूमरिक वैल्यू है, आपने डिफाइन किया जैसे इस चीज को। उसके बाद वो पूछेगा आपसे कि आपको इसके अंदर डाटा इनपुट करना है क्या, अभी आपके अंदर आपने तो एक टेबल बनाई है, ये टेबल माफी चाहूंगा, जैसे ही आपने ये वाला कमांड दिया, उसके बाद एक टेबल डिजाइनर आएगा, उसके बाद वो पूछेगा कि आपको डेटा इनपुट करना है क्या, तो डेटा इनपुट करने के लिए जब पूछेगा तो आप उसके अंदर यस क्लिक करेंगे। यस क्लिक करने के बाद में आप इसके अंदर वो फिर एक पेज खुलेगा, उसके अंदर इस सीक्वेंस के अंदर ये पहले आईडी, फिर नेम, फिर एज, इस सीक्वेंस के अंदर आप डेटा इनपुट करते जाओगे, जैसे आपने आईडी 1, नाम ए, एज 20, 2, बी 21, 3, एक्स 18, ऐसे करके करके करोगे तो फाइनली जो टेबल बनेगी वो इस प्रकार बनेगी, आईडी, नेम, एज, आईडी 1, आईडी 2, आईडी 3, नेम ए, नेम बी, नेम एक्स, एज 20, एज 21, एज 18। तो अभी आपने देखा
कि इस प्रकार से एक जो टेबल होगी वो उसके बनने की पूरी प्रक्रिया है। इसके अंदर सबसे पहले आप क्रिएट का ऑप्शन यूज लेंगे, टेबल डिजाइनर आएगा, उसके अंदर आप डिफाइन करोगे कि मुझे किस किस प्रकार की टेबल चाहिए। जैसे ही आपको टेबल किस प्रकार की चाहिए आपको आइडिया लग जाएगा, आप ये भी बताओगे कि ये जो है इसके अंदर किस किस प्रकार का डेटा आएगा। यहां पर आप डेटा इनपुट के लिए यहां पर वो प्रॉम्प्ट मानेगा, उसको आप यस करोगे। जैसे ही आप यस करोगे तो इस प्रकार की एक पेज खुलेगा, सॉरी एक विंडो खुलेगी जिसके अंदर डेटा इनपुट होगा। डेटा इनपुट होने के बाद इस प्रकार की टेबल बन के आपके सामने आएगी। तो आज अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार से फॉक्स प्रो के अंदर एक टेबल बनाई जाती है, और टेबल के अंदर डेटा कैसे उपयोग किया जाता है, और किस किस प्रकार का डेटा यूज अपन उसके अंदर कर सकते हैं, और उस टेबल का आगे उपयोग कैसे करेंगे, या फिर इस टेबल को बंद कैसे करेंगे, इस टेबल को एडिट कैसे करना है, इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम हो इसके अंदर तो मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।